हेलो श्रेन, बहुत बहुत स्वागत है आपका कक्षा 6वीं गणित के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम पाठ 4 पूर्णांक शुरू करने वाले हैं। इससे पहले कि हम प्रश्नावली पर जाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमें संख्या प्रणाली के बारे में फिर से एक बार समझना होगा। संख्या प्रणाली का मतलब है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, और हमारा जो पाठ का नाम है पूर्णांक, तो ये पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। इन सभी चीजों को अच्छे से समझना होगा, तब जाके हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे और वो चीजें हमें समझ भी आएगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। हालांकि इसको हमने पार्ट एक में पढ़ लिया है, फिर भी एक बार इसको और पढ़ेंगे। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? गिनती वाली संख्याएं, जिन संख्याओं को हम गिनती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और प्राकृत संख्याओं की खासियत क्या है? प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। इसमें सबसे छोटा जो सदस्य होता है वो एक होता है, और एक में एक जोड़ोगे तो नेक्स्ट सदस्य मिलता है, दो दो में एक जोड़ोगे तो फिर अगला सदस्य मिलता है, उसमें एक जोड़ोगे तो फिर अगला सदस्य मिलता है। तो इस प्रकार से हमें इसमें जितने चाहे उतने प्राकृत संख्याएं हम हासिल कर सकते हैं। प्राकृत संख्याओं का सबसे बड़ा खासियत है कि ये जो है कि एक से शुरू होता है और ये धनात्मक होती है। इसके बाद आती है पूर्ण संख्याओं की, ठीक है। पूर्ण संख्याओं के बारे में हमने क्या पढ़ा था? पूर्ण संख्याओं के बारे में ये पढ़ा था कि गिनती वाली संख्याओं के साथ, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के साथ, यदि हम शून्य को सम्मिलित कर लें, है ना, शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या समूह। देखो, ये जो आपका प्राकृत संख्याओं का समूह है, इसी में यदि हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, ठीक है, तो उस समूह को क्या बोलते हैं? हम पूर्ण संख्या समूह कहते हैं। तो पिछले जो पाठ है उसमें हमने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है, तो इसमें और ज्यादा डीप में नहीं जाते। इसमें मोटा मोटा एक चीज को समझते हैं कि जो प्राकृत संख्या होती है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। और पूर्ण संख्या होती है वो कैसी होती है? शून्य और धनात्मक, ठीक है, शून्य और धनात्मक। अब बात करते हैं हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में। देखो क्या है, धनात्मक संख्याएं शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को एक ही समूह में रखें तो प्राप्त समूह को पूर्णांक संख्या समूह कहते हैं। ध्यान से समझो, धनात्मक संख्याएं शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को एक ही समूह में रखें तो प्राप्त समूह को पूर्णांक संख्या समूह कहते हैं। कहने का मतलब, आप एक ऐसे समूह की बात कर रहे हो जिसमें ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, और धनात्मक संख्याएं भी हो सकती है। देखो, जो आपका पूर्णांक होता है ना, उसको इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं, इसलिए इसको आई के द्वारा दर्शाया जाता है ना। और इसके समूह को दर्शाने के लिए आपको इस प्रकार से लिखना रहता है, माइनस आई डेस डे डेस ऋण तीन ऋण दो ऋण एक शून्य एक दो तीन डे डे डेस एक। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर बताना क्या चाह रहा है। देखो, जो आपका प्राकृतिक संख्या होती है ना, देखो प्राकृतिक संख्या को हम क्या करते हैं? एन के द्वारा दर्शाते हैं। ये कैसी होती है? ये सिर्फ धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या, और इसको हम किससे दर्शाते हैं? W से, है ना। और ये कैसी होती है? शून्य एवं धनात्मक। ये तो क्लियर हो रहा है ना, शून्य एवं धनात्मक। अब आता है पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक जिसको हम I से दर्शाते हैं। इसमें जो है कि आपका ऋणात्मक संख्या शून्य एवं धनात्मक तीनों प्रकार के संख्याएं होती है, ठीक है। ऋणात्मक संख्या भी शामिल होती है, शून्य भी शामिल होता है, और धनात्मक संख्याएं भी शामिल होता है। हम ये बोल सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं उसके अंतर्गत प्राकृत संख्याएं भी सम्मिलित होते हैं और पूर्ण संख्याएं भी सम्मिलित होता है। देखो इसको इस तरीके से समझते हैं, यहाँ पर एक सर्कल है ना, ये जो आउटर सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल है, ये क्या बता रहा है? पूर्णांक संख्याओं को बता रहा है, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आपकी ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, धनात्मक भी होती है, और शून्य भी होती है, ठीक है। तो जो धनात्मक संख्याएं हैं वो सबसे अंदर में है ना, और उसके बाद है ये आपका आउटर सर्कल। ये किसको बता रहा है? आपको W को बता रहा है, ठीक है। मतलब कि क्या बता रहा है? पूर्ण को बता रहा है, और ये क्या बता रहा है? आपका प्राकृत को बताता है। तो एक चीज को समझो कि जो आपका पूर्ण संख्या वाला जो समूह है ना,
ये वाला जो घेरा है वो क्या बताता है, पूर्ण संख्या समूह को बताता है। पूर्ण संख्या समूह के अंतर्गत प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो पूर्णांक संख्या समूह है उसके अंतर्गत आपका ये पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। तो इसको अच्छे से समझो कि जो आपका पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक संख्या है उसके अंतर्गत आपका पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या भी आता है अंदर में, ठीक है। अब इन संख्या समूहों को देखो, ठीक है। यहाँ पर जो समूह है उसमें जितनी भी संख्याएं हैं वो पूरे के पूरे धनात्मक है। कैसी है? पूरे के पूरे धनात्मक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको प्राकृत संख्या समूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या समूह बोलेंगे। यदि पूरी की पूरी संख्याएं धनात्मक है, ठीक है, तो हम उसे प्राकृत संख्या समूह कहेंगे। यहाँ पर अब सेकंड वाले को देखो, यहाँ पर आपका ऋणात्मक है और ये दोनों धनात्मक है। ऋणात्मक संख्याएं भी है और धनात्मक भी है। ऐसा किस में पॉसिबल है? ऐसा सिर्फ पूर्णांक में पॉसिबल है। किस में पॉसिबल है? पूर्णांक में। तो ये जो संख्या समूह है ये किसको बताता है? पूर्णांक संख्या समूह को बताता है। अब ये बोलोगे यार इसमें तो जीरो है नहीं, तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि उसमें जीरो लिखा हो। आपको ये समझना है कि ये क्या क्या दिया है। यहाँ पर ऋण दिया है, यहाँ पर धन भी दिया है। ऐसा किस में पॉसिबल है? ऐसा सिर्फ पूर्णांक में पॉसिबल है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है तो भाई आप प्राकृत संख्या बोल दोगे, लेकिन यहाँ पर जीरो भी है, जीरो भी है, तो ये प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये पूर्ण संख्या समूह के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, पूर्ण संख्या। अब आप इसको पूर्णांक भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि पूर्णांक नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन फिलहाल ये पूर्ण संख्या समूह के अंतर्गत परिभाषित हो सकता है, तो इसको आप पूर्ण संख्या समूह ही कहोगे। ऐसा नहीं है कि इसको हम जो है कि पूर्णांक नहीं बोल सकते, ठीक है, इसको भी पूर्णांक बोल सकते हो, इसको भी पूर्ण बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा धनात्मक संख्या है ना, तो इसको हम प्राकृत संख्या समूह के अंतर्गत ही रखेंगे। लेकिन जब आपका जो धनात्मक संख्या है उसमें जीरो आ जाए तब उसको पूर्ण बोलोगे, और जब ऋणात्मक संख्याएं आ जाए तब उसको पूर्णांक बोलोगे। समझ आ रहा है? यहाँ पर देखो, शून्य भी है, ऋणात्मक संख्या भी है और धनात्मक संख्याएं भी है। ऐसे केस में इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इसको हम रखेंगे पूर्णांक संख्या समूह के अंतर्गत। तो इस चीज को समझो कि यदि कोई संख्या समूह है जिसमें केवल, क्या बोल रहा हूं मैं, केवल धनात्मक संख्या है, ठीक है, तो हम उसको प्राकृतिक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। यदि शून्य और धनात्मक है, शून्य और धनात्मक संख्याएं शामिल है, तो हम उसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। और यदि ऋणात्मक संख्याएं अकेले हैं, मान लो कोई ऐसा समूह है जिसमें सिर्फ ऋणात्मक संख्याएं हैं, जैसे कि मान लो मैं ऐसा कर देता हूं, ऋण तीन है, ऋण दो है, ऋण चार है, ठीक है, इस तरीके से एक समूह बना दिए, तब इसको क्या करोगे? तो भी इसको आप क्या बोलोगे? पूर्णांक बोलोगे। क्या बोलोगे? पूर्णांक। समझ आ रहा है? यदि सिर्फ ऋणात्मक संख्याएं हैं तो भी इसको पूर्णांक बोलोगे, यदि ऋणात्मक संख्याओं के साथ शून्य भी है तो भी इसको आप पूर्णांक बोलोगे। समझ आ रहे हैं? और यदि ऋणात्मक संख्या है, शून्य है और धनात्मक संख्याएं भी है, समझ आ रहा है, तो भी इसको आप पूर्णांक ही बोलोगे। देखो, ऋण है, शून्य है, चार है, पांच है, मतलब ऋणात्मक है, धनात्मक है और शून्य भी है, तो भी इसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या समूह के अंतर्गत ही रखेंगे। तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि पूर्णांक संख्या समूह क्या होता है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती है। अब यहाँ पर नया जो संख्या आता है वो आ जाता है ऋणात्मक संख्याएं। क्या आ जाती है? ऋणात्मक संख्याएं। तो हमें ये ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है इसको भी ध्यान से समझना होगा। लेकिन देखो, बार बार ऋणात्मक संख्याएं आ रही है, तो ये ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है उसकी भी समझ बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए चलिए अब ऋणात्मक संख्याओं को समझते हैं। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। यदि धनात्मक संख्याएं किसी वस्तु की उपस्थित संख्या को बताती है तो ऋणात्मक संख्याएं उन वस्तुओं की अनुपस्थित संख्याओं को बताती है। यदि धनात्मक संख्याएं उपस्थिति को बताती है तो ऋणात्मक संख्याएं क्या को बताएगी? अनुपस्थिति को बताएगी। इसको समझिए,
यहाँ पर मैं आपको ड्रॉइंग के द्वारा बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास गोले हैं, ठीक है, यहाँ पर कितने गोले हैं, पांच गोले। अब पांच गोले को मैं यदि भर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, भर देता हूँ, तो भरे हुए मेरे पास गोले कितने हैं, पांच गोले हैं, ठीक है, ये क्या है, धनात्मक है। वहीं पर यदि मेरे पास पांच गोले हैं जो कि खाली हैं, क्या है, खाली है, यहाँ पर क्या है, भरा हुआ है, यहाँ पर क्या है, खाली है, तो भरा हुआ को मैं धनात्मक पांच के द्वारा दर्शाया हूँ, तो खाली को मैं किसके द्वारा दर्शाऊंगा, ऋणात्मक पांच के द्वारा दर्शाऊंगा। समझ आ रहे हैं। इसी तरीके से मान लो हमारे पास एक बाल्टी है, ठीक है, यहां पर क्या है भाई, इसमें पैमाना बना हुआ है, एक लीटर, दो लीटर, तीन लीटर, ठीक है, समझ आ रहे हैं। एक और बाल्टी बना लेता हूं मैं, इतना ही बड़ा, तीन लीटर वाला, ठीक है, एक लीटर, दो लीटर, तीन लीटर। तो यदि इसमें हम पानी भर देते हैं एक लीटर, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक लीटर पानी, क्या बोलेंगे, एक लीटर पानी, भरा हुआ पानी, ठीक है। यदि इसमें हम दो लीटर भर देंगे तो दो लीटर भरा हुआ पानी, इसी बोलेंगे, दो लीटर बोलेंगे। और ये किसमें है, धनात्मक में, किसमें है, धनात्मक। भरा हुआ को हम किसमें बता रहे हैं, धनात्मक में बता रहे हैं। तो यहां पर बताओ ये खाली है भाई, क्या है, ये खाली है, यहाँ पर एक लीटर खाली है, दो लीटर खाली है, तीन लीटर खाली। तो यहां तक यदि मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा मैं, माइनस थ्री लीटर पानी है। अब देखो पानी तो है नहीं, है ना, पानी नहीं है तो हम उसको कैसे बोलेंगे भाई, तीन लीटर इसमें आ सकता है, तीन लीटर आ सकता है, उसको हम बताएंगे ऋण तीन पानी, ठीक है, मतलब ऋण तीन लीटर पानी, ऐसे, मतलब जो चीजें नहीं है उसको यदि आपको बताना हो तो आप ऋणात्मक संख्याओं का इस्तेमाल करते हो, और जो चीजें हैं उसको बताना हो तो आप धनात्मक संख्याओं का इस्तेमाल करते हो। देखो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लो स्टार है, ठीक है, और इन स्टार को मैं क्या करता हूँ, घेरे के अंदर भर देता हूँ, और इनको मैं ऋणात्मक के द्वारा दर्शा देता हूँ, किसके द्वारा दर्शा देता हूँ, ऋणात्मक, मतलब जो है उसको मैं यहाँ पर ऋणात्मक के द्वारा दर्शा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो नहीं है, ठीक है, उसको हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, धन के द्वारा। कहने का मतलब सिंपल है, यदि आप भरे हुए को धनात्मक के द्वारा दर्शाते हो तो खाली को आप ऋण के द्वारा दर्शाओगे, यदि आप भरे हुए को ऋण के द्वारा दर्शा दिए तो खाली को आपको धन के द्वारा दर्शाना पड़ेगा, एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, यदि धनात्मक संख्या ऊंचाई को बताती है तो ऋणात्मक संख्या गहराई को बताती है। देखो यहाँ पर भी एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है, एक क्या है ऊंचाई को बता रहा है, तो एक क्या को बता रहा है, गहराई को बता रहा है, समझ आ रहा है, एक क्या को बता रहा है ऊंचाई को, तो दूसरा क्या को बता रहा है, गहराई को। तो इसको भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर मान लो मेरा जमीन है, ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, एक खंबा लगा देता हूँ, और यहाँ पर पैमाना बना हुआ है, जैसे ये एक दो तीन इस तरीके से, ठीक है, तो ये जमीन से कुछ दूरी है, इतना दूरी को हम एक बोल रहे हैं, फिर उतना ही थोड़ा सा दूरी पर दो है, फिर उतना ही थोड़ा सा दूरी पर तीन है। यदि हम यहाँ पर क्या कर दे, गड्ढा खन दे, क्या कर दे, गड्ढा खन दे, तो जितने दूरी पर एक है उतना ही गहराई पर क्या हो जाएगा, ऋण एक हो जाएगा। देखो जमीन से जितना ऊपर एक है उतने ही गहराई पर क्या हो जाएगा, ऋण एक, जमीन से जितने ऊपर पर दो है उतना ही गहराई पर क्या हो जाएगा, ऋण दो। कहने का मतलब यदि ऊंचाई को हम धन के द्वारा दर्शाते हैं, पॉजिटिव नंबर के द्वारा दर्शाते हैं, तो गहराई को हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, गहराई को हम निगेटिव नंबर के द्वारा दर्शाते हैं। इस चीज को समझो। हालांकि देखो यहां से यहां तक का जो दूरी है और यहां से यहां तक का जो दूरी है वो सेम होता है। अब जो ऋणात्मक संख्याएं हैं ना, उसी को हम संख्या रेखा के द्वारा भी समझते हैं, ठीक है,
ये आखिरी एग्जाम्पल है, इसके द्वारा अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है। तो संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं कैसे होते, देखो ये हमारे पास एक संख्या रेखा है, इसमें आगे की ओर जाओगे तो वो आपका धनात्मक होता है और पीछे की ओर आओगे तो वो ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाता है। किसके, शून्य के आगे की ओर जाओगे तो धनात्मक संख्या है, शून्य के पीछे की ओर जाओगे तो ऋणात्मक संख्या है। अब इसी को हम दाएं और बाएं के टर्म में यदि समझे तो इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोला जाता है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो शून्य के यदि हम राइट हैंड साइड पर जाए, राइट हैंड साइड मतलब कि दाया, ठीक है, शून्य के यदि दाएं ओर हम जाएं या बोले कि राइट हैंड साइड में जाए तो हमें धनात्मक संख्याएं मिलती है, और यदि हम शून्य के पीछे की ओर आए, लेफ्ट हैंड साइड की ओर आए या हम बोल सकते हैं बाएं साइड पर आए, ठीक है, तो हमें क्या मिलती है, ऋणात्मक संख्याएं मिलती है। अब देखो यहां पर मैंने पॉइंट बनाकर रखा, जीरो से यहां तक का दूरी को यदि मैं एक बोलता हूं, क्या एक है, ये धनात्मक एक है, तो शून्य से उतना ही दूरी पीछे, शून्य से उतना ही दूरी पीछे यदि आप जाते हो तो आपको ऋण एक मिलेगा, ठीक है। शून्य से यहां तक की दूरी को यदि मैं धन दो बोलता हूं तो शून्य से उतना ही दूरी पीछे जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऋण दो। शून्य से यहां तक का दूरी को यदि हम धन तीन बोलते हैं तो शून्य से उतना ही दूरी पीछे जाओगे तो आपको मिलेगा ऋण तीन, समझ आ रहा है। अब देखो यहां पर शून्य से यहां तक का दूरी यहां के तुलना में क्या है, ज्यादा है, ज्यादा दिख रहे हैं, फिर भी यदि हम शून्य से यहां तक की दूरी को प्लस वन लेते हैं तो उतना ही दूरी पीछे जाओगे तो आपको ऋण एक मिलेगा। शून्य से यहां तक की दूरी को यदि मैं दो लेता हूं तो शून्य से यहां तक का दूरी को मुझे क्या मिलेगा, ऋण दो। यहां पर देखो तीसरा वाला में ये आपका जीरो है, यदि मैं शून्य से यहां तक की दूरी को 100 लेता हूं, क्या लेता हूं 100, तो शून्य से यहां तक की दूरी सेम दूरी है भाई, यहां से जितना दूरी पर ये पॉइंट है उतना ही दूरी पर ये पॉइंट है ना, तो हमें क्या मिलेगा, ऋण 100। तो एक चीज समझ आया कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती है वो भी धनात्मक संख्याओं के जैसे ही होता है, बस क्या चीज है, यदि धनात्मक संख्याएं आपका होने को बताता है तो ऋणात्मक संख्या ना होने को बताता है, ठीक है। यदि धनात्मक संख्या संख्या रेखा पर दाएं साइड को बताता है तो ऋणात्मक संख्याएं संख्या रेखा पर बाएं साइड को बताता है, लेकिन उतना ही दूरी को बताता है, ठीक है।